रहेंगे, लोग गुहार लगाते रहेंगे, रेप केस होते जाएंगे, निर्भया हुआ, आसिफा हुआ, और कितने होंगे। कब IBN न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं सलमान शेख। आज हम लाए हैं दिल्ली की एक खबर, बहुत ही दुख दर्द वाली खबर है। आपको बताना चाहेंगे, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा चल रही है, रेप केस। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि राबिया सैफी एक युविका है जिसका रेप हो चुका है, गैंग रेप हुआ है। 27 अगस्त की रात में जो ये कांड हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग है, ये अभी तक पुलिस वालों ने वहाँ पे पता नहीं लगा पाए। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि गोदी मीडिया इस चीज़ को लेकर बात क्यों नहीं कर पा रहा। जब भी देखा गया है कि कोई भी रेप केस होता है तो हर तरफ में लोग कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं, लोग जो है मोर्चा लेकर निकलते हैं। क्यों बिना मोर्चे के काम नहीं हो सकता? हमारा सवाल आज के वक्त में दिल्ली केजरीवाल सरकार से है। दिल्ली केजरीवाल सरकार एक तरफ में दावे कर रही है कि हम दिल्ली को सुधार रहे हैं, दावे कर रही है कि हम दिल्ली में CCTV कैमरे लगा रहे हैं, दावे कर रही है कि हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, क्यों महिला सुरक्षित कहाँ है? आपने ये भी तो एक शपथ ली थी कि महिला को सुरक्षित रखा जाएगा, कब मिलेगी महिला को सुरक्षा? ये सवाल सीधा दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार से, मोदी सरकार से भी यही सवाल हम कहेंगे कि जब जब नारी पर अत्याचार हुआ है, यही मुद्दा लेकर जो है इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में जीत कर आते हैं कि महिला को बचाएंगे, महिला को बचाएंगे। एक पुलिस कर्मचारी, सिविल डिफेंस ऑफिसर, जिसको 4 महीने हुए थे, दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, जिनको 4 महीने, सिर्फ 4 महीने हुए थे ज्वाइन करके सिविल डिफेंस में दिल्ली में, उस इंसान का रेप हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। हम वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो उनके घर वाले निकल के आ रहे हैं और कैंडल मार्च जो हो रहा है दिल्ली के अंदर, और देखा गया है कि मुंबई के अंदर भी इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ कैंडल मार्च लोग निकालते रहेंगे, लोग गुहार लगाते रहेंगे, रेप केस होते जाएंगे, निर्भया हुआ, आसिफा हुआ, और कितने होंगे? कब देगी जवाब सरकार? किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा है, रेप का मामला एक तरफ चल रहा है, कब जागेगी सरकार, कब चुप्पी ये इनकी खुलेगी, ये सवाल बिल्कुल रहेगा। दोस्तों इस न्यूज़ को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया तक ये बातों को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें कि बहुत से लोगों के तक ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। लोग अब कह रहे हैं कि CBI की जांच होनी चाहिए इसके ऊपर, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कब होगी, इंतज़ार है, कब होगी? कौन एक इंसान आगे आके बढ़ेगा और आगे आके लोगों का साथ देगा, इस केस के ऊपर जो है जिम्मेदार बन के आगे जाएगा? वो गरीब माँ बाप जिनकी बेटी का रेप होकर, आपको बता दूं कि 50 वार है वो पूरे जिस्म पर करे गए हैं उन 4 रेपिस्ट ने। सुनने में ऐसा भी आया है दोस्तों कि लोग हर तरीके की बात कर रहे हैं कि ऑफिसर ऐसी थी, ऑफिसर वैसी थी। वो कैसी भी थी, वो थी एक लड़की। गुजारिश यही रहेगी सबसे कि जितना हो सके इस न्यूज़ को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पे न्यूज़ चलने से आरोपियों को जो है सज़ा भी मिल सकती है। गोदी मीडिया को ऐसा लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे चलेगा, हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे तो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज के वक्त में जितना सोशल मीडिया एक्टिव है और जितना मेहनत जो यूट्यूबर्स है फेसबुक पर, फेसबुक पेजेस पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ बन के सामने आ रहे हैं दोस्तों, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। बस आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि 27 अगस्त 2021 का ये मामला है जिसमें राबिया साफिया करके एक महिला थी जिनका डेथ हो गया है, ऑन द स्पॉट उनको मर्डर कर दिया गया है रेप होने के बाद में। आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही तेज़तर्रार खबरों के लिए देखते रहिए IBN न्यूज़ 24/7 हमेशा आपके साथ। धन्यवाद। राबिया सैफी के साथ जो दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या हुई, आज हम लोग इनके माँ बापों से मिले। इन माँ बापों ने तो चौंकाने वाला की बातें बताई। उसने ये बताया कि जो निजामुद्दीन नाम का लड़का है जिसने सरेंडर किया और ये झूठ कहा कि ये मेरी बीवी थी और मैंने इसको मार दिया और काट दिया। सच्चाई ये है कि सिविल डिफेंस में काम करने वाला पूरा एक गिरोह है
और उनके माँ बाप ने बाकायदा दो तो नाम लिए हैं, एक ज्योति लड़की है और एक रविंद्र मेहरा लड़का है और उसके और बहुत सारे साथी हैं। पूरा ये ग्रोह है, गैंग है, उन्होंने सब ने मिलकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, उसके बाद उसको उसके प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे जिस्म को काट डाला और उसे पूरी तरीके से हत्या करके उसे झाड़ी में फेंक दिया। और वहां का जो SHO है उसने माँ बाप का बयान भी नहीं लिया और अपनी मर्जी से FIR लिख दी और SHO ने वहां के ये कहा कि देखो तुम किसी से फोन मत करवाना, हम अपनी तरफ से अपना आपका काम बहुत बढ़िया कर देंगे। सच्चाई ये है कि लड़की के माँ बाप का बयान तक नहीं लिया गया। दूसरी बात, ये जो अरविंद केजरीवाल जो ढिंडोरा पीटते हैं सिविल डिफेंस के नाम से कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाएंगे, सच्चाई ये है कि खुद सिविल डिफेंस की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उनके साथ इस तरह का हत्या हो रहा है। दूसरा, ये नेक्सस एक पूरा गिरोह है। सवाल अब यहाँ पे जांच का है कि आखिर DM के ऑफिस में काम करने वाली 21 वर्षीय राबिया सैफी जब सेफ नहीं है तो दिल्ली की आम महिला कैसे सेफ है। इसी के चलते दिल्ली मजलिस ने आज अपने पूरे लीगल सेल यानी पूरी टीम एडवोकेट उसार साहब और जो दूसरे एडवोकेट है उनके साथ आज हम यहाँ पहुंचे और हमने इनसे बात की और हमने इनको यकीन दिलाया कि दिल्ली मजलिस आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है, लीगल हेल्प भी देगी, हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ रहेंगे और चाहे जंतर मंतर हो या सिविल डिफेंस ऑफिस हो या यहाँ पर उनके घर पे जहाँ पे भी हमारी जरूरत होगी मजलिस आपके साथ खड़ी रहेगी। और दिल्ली सरकार से हम आखिर में दो मांगे रखते हैं, एक तो लड़की के माँ बाप जिनको बता रहे हैं कि जो इस ग्रुप में शामिल हैं उस पूरे ग्रुप को गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी पे तुरंत लटकाया जाए और जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला कर उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल का ड्यूटी पे तैनात कोई पुलिसकर्मी या सिविल डिफेंस कर्मी शहीद हो जाता है और ऐसी एक्सीडेंट होता है उसको 1 करोड़ का मुआवजा देने की जो स्कीम है उसके तहत फौरन उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और ये भी सवाल है कि आखिर जब कोई दलित या मुसलमान का जब इस तरह का हाल होता है जैसे गुड़िया वाल्मीकि का केस हुआ, ऐसी ये भी केस हो गया, इसमें आखिर सरकार देर क्यों करती है? अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं आया? और वो जो दूसरे बड़े वाले हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं उस नारे का क्या हुआ? कहाँ है मोदी जी के गृहमंत्री अमित शाह? आखिर उनके नाक के नीचे देश की राजधानी में इस तरह के काम हो रहे हैं। हम तो ये समझे थे कि सिर्फ निर्भया कांड होकर दिल्ली सुधर जाएगी, लेकिन ये अब आए दिन रोजाना निर्भया जैसे और निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक कांड हो रहे हैं। इसने पूरी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है, पूरे दुनिया में हिन्दुस्तान की नाक कटा दी है। अब यहाँ चाहिए अरविंद केजरीवाल को और अमित शाह को इस दिल्ली को सुधारे और जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई करें, ये मजलिस की डिमांड। लड़की का मर्डर हुआ, 18 मिलने से बाहर हुआ, सभी का बात हुआ, ऐसे और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।